हेलो फ्रेंड, मैं रोहित, मैं अपना यूट्यूब चैनल का आप लोग स्वागत करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे कि सूरत में जो काम होते हैं टेक्सटाइल मिल में, बड़े बड़े सब कंपनी होते हैं, उसका अंदर जो काम चलते हैं। आज चलो देखते हैं वार्पिन मशीन और लूम्स मशीन किस तरह काम होते हैं, किस तरह कपड़ा प्रोडक्शन होते हैं और कौन सा कारीगर का कितना पगार होते हैं, इसके बारे में आज वीडियो बनाया हूँ। चलो आज के वीडियो में देखते हैं। आप अभी देख रहे होंगे जो हमारे सामने दो वार्पिन चला रहे, दो वार्पर है, इनके घर है उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट का है। अब ये यहाँ बहुत पुराने कारीगर है। चलो हम देखते हैं वो कैसे काम होते हैं, कौन सा धागा में कपड़ा बनते हैं। अभी देखो दो वार्पर काम कर रहे हैं। अब चलो हम बताते हैं कि दो वार्पर काम करते हैं, कौन सा कितना काम करते हैं। चलो हम अभी बताते हैं। अभी जो बैठ के रोलिंग कर रहे हैं वो ब्राइट माल का है, बिस्कुस माल का है। हर एक बीन उनको मिलता है 320 रुपया एक बीन का उनको मिलते हैं। हर रोज 7 से 8 बीन वो निकालते हैं, क्योंकि उनका जो सेक्शन मारते हैं उसमें कोन लगा हुआ है, उनमें रोला लगाना नहीं पड़ता, इसलिए हर रोज 7-8 बीन वो निकालते हैं। हर एक का 300 रुपये का हिसाब से उनको मिलते हैं। अब चलो दूसरा वार्पर के बात करते हैं। दूसरा वार्पर जो काम कर, रोज 3 बीन निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो एक एक खिली रोला लगाते हैं उसमें 3 बीन निकलते हैं। हर रोज़ एक खिल का रोला वो काम करते हैं। हर एक बीन का भाव होता है 500 रुपये होते हैं, एक बीन का भाव होते हैं। और वो वाला बीन और ये वाला बीन दोनों लगा के ही कपड़ा होते हैं, दोनों भी कॉम्बिनेशन होते हैं और लूम्स का मशीन में दोनों लगता है, एक ऊपर एक और एक नीचे, उसमें लगाते हैं और उसमें ही कपड़ा बनते हैं, थोड़ा डिजाइन वाला कपड़ा बनते हैं। अभी देखिए जो बिस्कुस माल है वो डिजाइन है, उसमें ग्लेज करता है, और जो इधर वार्पर चला रहे ये तो डिजाइन वाला बिस्कुस माल चला रहे, इनके नाम है जगन भाई, जो कि उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट का है और बहुत पुराने कारीगर है, बहुत अच्छा वार्पर है। अब उनके पीछे जो का वार्पर दूसरा है वो काम करते हैं दूसरा माल का, उसमें वो भीम तीन निकालते हैं, हर एक का 500 रुपये का हिसाब से उनको मिलते हैं और हेल्पर रहते हैं, तो कभी ज़्यादा ज़्यादा काम होते हैं चार भीम भी निकालते हैं, मगर 3 भीम हर रोज़ निकलने का पक्का है। और वो जितना कंपनी भीम वो लोग निकालते हैं सब भीम आके यहाँ काम होते हैं। इसमें देखिए ऊपर जो डिजाइन वाला लगा हुआ है और नीचे जो है वो सिंपल वाला लगा हुआ है, दोनों कॉम्बिनेशन से धागा बनता है। ये जो देख रहे हैं ये डूबी वाला है, एक ही कंपनी डूबी है, प्लेन है, अलग अलग साड़ी बनते हैं, कपड़ा बनते हैं, ये कंपनी एक प्रकार का नहीं बनाते हैं, 3-4 प्रकार का क्वालिटी का आजकल बनाते हैं। जैसे कि 50-24 माल चलता है, 50-48 माल काला वाला चलता है, कार्टून के माल चलते हैं, ब्राइट माल चलता है, वो धागा का क्वालिटी में बता रहा हूँ। और ये लूम्स होते हैं उसमें भी क्वालिटी है, ये सिंपल प्लेन लूम सिंगल लूम्स वाला होते हैं, प्लेन वाला उसका क्वालिटी थोड़ा कम है, 2.5 से 3 रुपये मिलते हैं एक मीटर का। और ये जो डूबी लूम्स जो बना रहा है इसमें 3.5 से 4 रुपये आसपास जैसे हर मीटर को कारीगर को मिलते हैं, और दूसरे में 4 रुपये तक भी मिलते हैं। अभी देखिए जितना कपड़ा दिन भर वो लोग काम करते हैं, नीचे लूम्स चलता है दिन भर 24 घंटा चलता रहता है, हर कपड़ा यहाँ सब आते हैं ऑफिस में, ये ऑफिस में आते हैं और यहाँ सब सुपरवाइजर लोग रहते हैं जो टाका चेक करता है, चेक करने के बाद फिर बेचा जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा डिमांड होते हैं सूरत में ये लूम्स वालों से, क्योंकि इन लोगों के वजह से कंपनी सब चलते हैं। ऐसे बोलो तो हर किसी का मदद, हर किसी का ज़रूरत पड़ता है, कोई भी एक कारीगर का बिना कंपनी नहीं चल सकता, मगर इन लोगों का ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि इन लोगों का वजह से कंपनी चलते हैं, इन लोग हर एक प्रोडक्शन करते हैं। आजकल लूम्स वाला बहुत कम रहते हैं सूरत में, क्योंकि ये वाला काम आजकल कोई सीखता नहीं, क्योंकि ये काम सीखने में बहुत टाइम लगता है, बबिन भरने के 1-2 साल तक हेल्परिंग काम करते करते इसको करते हैं। और जो दूसरा काम में क्या होता है कि 15-20 दिन सीख के कारीगर लोग काम करते हैं, इसलिए लूम्स का काम आजकल कोई सीखता ही नहीं, सब करते हैं दूसरा अलग अलग काम। और इसमें जो वार्पिंग चलता है इसमें भी ज़्यादा पगार होते हैं, पर लूम्स में ये दोनों में ज़्यादा पैसा मिलता है सूरत में। अगर बड़े कंपनी में एक एक वार्पर रहते हैं तो वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, 50-70 हज़ार तक कमाते हैं, हेल्पर रखते हैं। तो ये देखिए दो वार्पर यहाँ काम करते हैं, साथ में के हेल्पर रखते हैं। हेल्पर क्या करते हैं, इतना रोला लगाते हैं वो दिन भर लगाते हैं, और बाकी उनको 5-10 हज़ार खाना खा के उनको देते हैं,
10,000-11,000 ऐसे देते हैं, वो अपने हाथ से देते हैं वर्कर, और वो दिन भर उनका हेल्पर ही काम करें। बाकी ये दो वर्कर जो काम करते हैं वो भीम निकालते हैं, वो हेल्पर के मदद से वो महीने में ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा पाए। अभी देखिए वारपुरी का रोलिंग चलता है, ये जो गगन भाई चला रहा है इधर का, ये ब्राइट वाला है, बेट के जो काम कर रहे हैं गगन भाई, और उनका पिछवाड़ में जो उनके भाई है वो साथ में दोनों करते हैं, और साथ में एक हेल्पर भी बाहर का रखा है जो कि उनको मदद करे और इन लोगों को ज़्यादा पैसा कमा सके। ये कोई कंपनी में क्या होता है 300-400-500 लूम्स चलता है, सबको भीम का ज़रूरत है, और ये लोग 12 घंटा से 15 घंटा तक काम करें, कभी कभी ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि हर छोड़ के उड़ीसा से हर कोई आते हैं, उड़ीसा बिहार अलग अलग जगह से आते हैं, अगर ज़्यादा काम करने ज़्यादा पैसा मिलते हैं तो मजबूरी से लोग करना पड़ता है, क्योंकि घर में परिवार होते हैं, बीवी बच्चा पिताजी हर किसी के होते हैं, बाल किसका बेटा पाठ पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, किसका कॉलेज जाते हैं, सबके लिए पैसा का ज़रूरत होती है, इसलिए अपना परिवार को पालने के लिए हर कोई आके ज़्यादा पैसा कमाने का लालच में काम करना पड़ता है, 12 घंटा से 15 घंटा तक करना पड़ता है, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कभी कभी करते हैं। और ये काम क्या होता है, कंपनी के अंदर खाना खा के रहते हैं, यही काम करते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता है, कंपनी के नीचे भाजी सब्जी सब कुछ मिलते हैं, खरीद के लाते हैं जो 4 बजे, अभी देखो कोई टाइम 4 बज गया, अभी एक हेल्पर क्या किया देखिए, वो काम सीख रहा है, जो बैठा है वो काम सीख रहा है, वो देखिए चाय लाया, तंबाकू लाया, खाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर वारपनी से चलाएंगे। सूरत में इस तरह काम होते हैं, हर चीज़ का तो मजबूर होते हैं, जिसके लिए वो लोग सब आके अपने देश छोड़ के अपने गांव छोड़ के आके बाहर काम करते हैं, फिर वही काम में भी वो लोग आराम से मिलजुल के साथ में काम करते हैं, जैसे कि मुंबई के महाराष्ट्र बहुत जो एरिया होते हैं जहाँ की ज़्यादा कंपनी होते हैं गाड़ी पार्ट्स बनाते हैं, और तमिलनाडु चेन्नई कर्नाटक ये सब अलग अलग जगह होते हैं जहाँ कंपनी बहुत अलग अलग कंपनी होते हैं, मगर दूसरी जगह में क्या होता है कि हर महीने में एक बार पेमेंट मिलते हैं, मगर सूरत में हर 15 दिन में एक बार पैसा पेमेंट मिलते हैं। और यहाँ क्या होता है सूरत में, और कोई कंपनी में आप 2-3 दिन काम करते हैं तो आपको 3 दिन का पेमेंट पैसा मिलते हैं, कोई भी काम होते हैं सूरत में, मगर अलग अलग जगह होते हैं जहाँ की 10-15 दिन काम करते हैं पैसा नहीं मिलते, घर वापस आते हैं, सूरत में यही है, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, मगर जितना दिन का आप काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, रोज़ का 1,000 या 1,200 का काम एक दिन में करोगे, अगर 3 दिन का काम किया तो आपको 3 दिन का पैसा मिल जाएगा, सूरत में किसी का पैसा डूबता नहीं है, सूरत का सिस्टम यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टेक्सटाइल मिल, ये जो प्लेन वाला कपड़ा बनता है जो अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सूरत में बहुत ये वाला बहुत कंपनी होती है, और लाखों करोड़ों लोग यहाँ आके काम करते हैं, पैसा में कोई कंपनी में कोई मगरमारी नहीं होता, इसलिए सूरत सबसे अच्छा है, पैसा काम करो पैसा कमाओ, 10 दिन करो 15 दिन करो 6 महीना करो पास अपने पैसा लेने देने में कोई दिक्कत या कोई मगरमारी नहीं सूरत में। और मुंबई पुणे क्या होता है 8 घंटा काम होता है थोड़ा पैसा कम होता है, मगर दिवाली को उधर अच्छा है, मगर यहाँ दिवाली में कुछ नहीं है फिर भी लोग यहाँ आकर काम करते हैं। चलो चाय पीने का टाइम हो गया, आज के उधर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जय जगन्नाथ।